हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर बार आपके लिए नई वीडियो लेके आता हूँ अपने ब्लॉग में। तो आज भी नई वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो आज मैं और जीजी जा रहे हैं बरोटी, दीदी भी है साथ में और जीजू भी है। तो एक्चुअली इन्हें कुछ काम है बरोटी में, तो निकल पड़ा हूँ आज जीजी के साथ बरोटी। तो दिखाएंगे आपको कुछ नई जगहें, तो बने रही वीडियो के साथ। तो दिखाएंगे आपको नई लोकेशन बरोटी की। तो पहुंच गए आधे रास्ते में। तो ये देखिए, ये है बड़ी दीदी के घर। अभी काम चला हुआ है इनका, थोड़े दिन बाद ये भी घर का काम शुरू करेंगे। ये देखते हैं आप, चार कमरे की गैलरी का है, रोड के साथ लगता हुआ है। ये बरोटी से 2 किलोमीटर नीचे की साइड है इनके घर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसकी आसपास की लोकेशन बहुत ही अच्छी है, मैं आगे की क्लिप में शेयर करूंगा। तो ये देखिए, इनके घर के साथ ही लगते हुए बागवानी के तहत यहाँ बगीचा लगा हुआ है। तो अभी तो पेड़ छोटे से ही हैं, थोड़े दिन ही हुए अभी बगीचा लगाए हुए, अभी काम चल ही रहा है इनका। तो ये देखिए, मैं अभी आ गया हूँ ऊपर दीदी के घर पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनके घर से बाहर का व्यू भी कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, ये है दीदी का, ये देखिए, ये इनके 4 बेडरूम विद गैलरी। और ये देखिए, एक कमरा हो गया यहाँ से अंदर के लिए, सेकंड रूम हो गया इनका ये। अभी थोड़े दिन बाद इनका भी एक्चुअली प्लास्टर का काम चलेगा, तो उसी काम से ये बरोटी भी आए थे। तो ये देखिए, ये इनका तीसरा कमरा हो गया और इनका ये लास्ट वन चौथा कमरा हो गया। तो एक्चुअली इन्होंने भी मिस्त्री के साथ बात करनी थी कुछ प्लास्टर के रिगार्डिंग, तो तभी आया था मैं इनके साथ। तो ये हो गए इनके 4 रूम विद गैलरी, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा सामान ये यहाँ पे इन्होंने रख लिया है, जैसे टंकी वगैरह होगी ये रख लिया है। ये देखिए, तो ये है दीदी का घर बरोटी के 2 किलोमीटर नीचे की साइड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जीजा जी ने गाड़ी पार्क कर ली है। तो ये देखिए, ये वाली साइड बरोटी है, जो ये राइट हैंड साइड कॉर्नर पे है। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका धर्मपुर मंडी के लिए सड़क जाती है। ये देखिए, ये ऊपर से दिख रही है, धर्मपुर मंडी के लिए सड़क जाती है। और ये बरोटी से कांडापतन की तरफ सड़क जाती है, वहाँ पे दीदी के घर हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, बाहर सामने का व्यू बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका नीचे कांडा पतन रहा। तो ऐसा है दीदी के घर का बाहर का व्यू, बहुत ही सुंदर। हिमाचल में देखिए, यही तो पसंद आता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और सीढ़ीनुमा खेत, इस तरीके के रहते हैं घर। तो अभी हम वापिस चल पड़े हैं धर्मपुर की ओर, मैं जी, ये देखिए वापिस चल पड़े हैं धर्मपुर की ओर, और दीदी को पिकअप करना है मुझे घर से। तो ये देखिए, अभी ये है हमारे धर्मपुर की मार्केट। ये देखिए, ये सामने आप देख सकते हैं, ये बस स्टैंड है, धर्मपुर का बस स्टैंड है। और ये सारी धर्मपुर की मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है। और ये देखिए, खड़ में भी कुछ काम चल रखा है। और ये ऊपर आप देख रहे हैं,
ये धर्मपुर की न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, और साथ में लगते हैं इसका गवर्नमेंट स्कूल है, और ये तीन सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये आईपीएच का ऑफिस है, और ये बस स्टैंड हो गया, और इसके साथ लगती हुई आपकी साइंग की बिल्ड इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह आईटीआई वगैरह होती है। और इसकी बैक साइड में जो है ये धर्मपुर डिग्री कॉलेज है। तो ये है धर्मपुर की लोकेशन। मैंने सोचा क्यों ना सब्सक्राइबर के साथ ये चीज़ शेयर की जाए। तो अभी हम पहुंच गए हैं दीदी के घर पे, दोबारा नीचे वाले घर पे। तो हम अभी तो इंतज़ार कर रहे हैं दीदी का, कब वो आए। तब तक मैं अजीजा जी जो चंडीगढ़ से आए हैं वो देख रहे थे घर कैसे इसका काम हुआ है। तो अभी हम इंतज़ार ही कर रहे हैं दीदी का, तब तक वो आए तो हम वापस चल पड़ेंगे धर्मपुर की ओर। जैसे कि मैंने बताया उनको कुछ सामान परचेज करने को है, तो कर रहे हैं इंतज़ार। ये देखिए अब दीदी पहुंच गई है सड़क पे, तो सामान वगैरह लेके आ गए हैं दीदी का। ये पलक होगी, दीदी होगी, तो ये तो निकल पड़े हैं, तो मैं भी चलता हूँ उनके साथ। तो अभी जाएंगे हम धर्मपुर और परचेज करेंगे कुछ सामान। तो बने रहिए वीडियो के साथ, शेयर करेंगे आपके साथ और मज़ेदार वीड़ियो क्लिप्स। देखिए अब चल पड़े धर्मपुर की ओर। ये देखिए ये ब्रोटी के लिए जाता है, ये आपका रोड जो राइट हैंड साइड के लिए, ये सिगदौला से ब्रोटी के लिए शॉर्टकट है। यहाँ से ब्रोटी अप्रोक्सीमेटली 5 या 7 किलोमीटर की दूरी होगी। तो थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाएँगे धर्मपुर और शेयर करेंगे कुछ और वीडियो क्लिप्स। और गाइस मैं तो यही कहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचाएँ। तो थोड़ी देर बाद पहुँचाएँगे धर्मपुर। ये देखिए अभी पहुँच गए हम शॉप में, तो शॉपकीपर दिखा रहा है कुछ टाइल्स के डिज़ाइन जो दीदी को, ये जो फ्रंट में है सबसे ऊपर है ये दीदी को पसंद आया, ये फ्रंट पे है और ये लास्ट में डिज़ाइन है, इन दोनों में से सिलेक्ट कर रहे हैं वो। ये दोनों जैसे पलक बता रही है ये वाला और उससे नीचे वाले सिलेक्ट कर रहे थे। तो टाइम तो काफ़ी बिता लिया हमने धर्मपुर में, टाइल वगैरह सिलेक्ट कर ली, कल तक शायद वहाँ से ले आए। तो अब निकल पड़े हैं हम घर की तरफ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो गाइस वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।